दोस्तों, इंडियन रेलवे देश भर में लाखों लोगों द्वारा पसंद की जाने वाली चीज है। चाहे आर्थिक हो या सामाजिक, ये राष्ट्र को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और ये एक अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट है जो न केवल ह्यूमंस बल्कि सामानों को भी ले जाती है। साथ ही इंडियन रेलवे भारत में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार भी देता है। दोस्तों, इंडियन रेलवे का जन्म 1853 में 16 अप्रैल को हुआ था और इसकी फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन मुंबई से बोरी बंदर से हेन के बीच चली थी, जिसमें 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई, जिसे अब 150 साल से भी ज्यादा समय हो गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि ब्रिटिश सरकार की पहली रेलवे वर्कशॉप बिहार के मुंगर के पास जमालपुर में स्थापित की गई थी और ये 1862 में स्थापित किया गया था। दोस्तों, देश के जीवन के विशाल इतिहास को दिखाने के लिए इंडियन रेलवे के पास भारत के विभिन्न शहरों में कुल 34 रेलवे म्यूजियम्स हैं और दिल्ली रेलवे म्यूजियम भारत का पहला रेलवे म्यूजियम है, जिसे भारत का नेशनल रेल म्यूजियम भी कहा जाता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर भारत के पास दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, जिसकी लंबाई 1360 मीटर से भी ज्यादा है। दोस्तों, इंडियन रेलवे रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स, द गोल्डन चैरोई, द महाराजास एक्सप्रेस एंड द डेक्कन ओडिसी नाम की 5 रॉयल ट्रेनों के मालिक है और इनमें पैलेस ऑन व्हील्स सबसे ज्यादा पुरानी लग्जरियस ट्रेन है। हालांकि इन ट्रेनों का टिकट सभी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। दोस्तों, भारत में आप विवेक एक्सप्रेस से कन्याकुमारी से दिब्रुगढ़ तक की सबसे लंबी ट्रेन की सवारी कर सकते हैं, जिसे पूरा होने में 82 घंटे और 30 मिनट का समय लगता है और इसमें 56 स्टॉप्स के साथ ये रूट 4190 किलोमीटर लंबा है। जबकि भारत में सबसे छोटी ट्रेन रूट नागपुर से अंजनी तक की है, जो केवल 3 किलोमीटर लंबा है। दोस्तों, क्या आपको सुनकर हैरानी होगी कि एक ही साथ एक ही जगह पर दो रेलवे स्टेशन हैं? लेकिन दोस्तों, ये बात सच है। अहमदनगर में श्रीरामपुर और बेलापुर स्टेशन एक ही साथ एक ही जगह पर है, लेकिन ऑपोजिट साइड में। दोस्तों, मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन यानी MTJ अपने धार्मिक महत्व और विभिन्न शहरों के विशाल रेल कनेक्टिविटी के कारण जरूरी रेलवे स्टेशन में से एक है और मथुरा जंक्शन पर 7 रेलवे लाइंस निकलती है, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। दोस्तों, रेलवे जितना भी कमाता है उसका 94% ट्रेन चलाने और उसके देखभाल पर खर्च हो जाता है और रेलवे मिनिस्ट्री के लिए ये एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि वह अपनी कमाई का थोड़ा ही हिस्सा बचा पाता है। दोस्तों, इंडियन रेलवे चीनक नदी पर स्टील और कंक्रीट से दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बना रहा है, जो नदी से 1180 फीट की ऊंचाई पर होगा। दोस्तों, रेलवे इंडिया में लगभग 1.4 मिलियन लोगों को रोजगार देता है और ये एक फैक्ट है कि इंडियन रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों और इंस्टीट्यूशंस में से एक है। साथ ही इसके अलावा कई लोग स्टेशनों और ट्रेन में सामान और सर्विसेज बेचकर भी रेलवे के जरिए पैसे कमाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि भारत की सबसे लंबी रेल टनल पीर पंजाल है, जो जम्मू कश्मीर में मिडिल हिमालयस की पीर पंजाल रेंज में स्थित है और इसकी लंबाई 11.25 किलोमीटर है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म्स के साथ हावड़ा जंक्शन इंडियन रेलवे का सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है और इसके 23 प्लेटफॉर्म्स रोजाना 10 लाख से भी ज्यादा पैसेंजर्स को हैंडल करता है। साथ ही हावड़ा भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन भी है। दोस्तों, भारत में घरेलू उपकरण 220 वोल्ट पर काम करता है, लेकिन बिजली से चलने वाली चीजें जैसे बल्ब, पंखे और सॉकेट्स रेलवे कोचेस पर 110 वोल्ट पर काम करता है। साथ ही ये रेलवे को अपने बल्ब और पंखों को चोरी से बचाने में भी मदद करता है, क्योंकि 110 वोल्ट के चीजों को 220 वोल्ट में बदलना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इंडियन रेलवे अभी भी सवारी के लिए अपने सबसे पुराने लोकोमोटिव फेरी क्वीन का इस्तेमाल करता है और ये लोकोमोटिव स्टीम इंजन के साथ काम करता है, जो दिल्ली से अलवर के बीच एक टूरिस्ट ट्रेन के रूप में चलता है। ट्रेन 1850 में बनाई गई थी और वर्तमान में ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिपेंडेंस के बाद 1951 में इंडियन रेलवे को नेशनलाइज्ड किया गया था और वर्तमान में ये एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। दोस्तों, 68,000 किलोमीटर से अधिक के साथ इंडियन रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, जिसके बाद अमेरिका, चीन और रूस आते हैं और अब तक इसके पास 45,000 किलोमीटर से अधिक का इलेक्ट्रिक रेल नेटवर्क है। इसके अलावा इंडियन रेलवे ग्लोबली सबसे महत्वपूर्ण रेल रूट भी है, जो अकेले सरकार द्वारा ऑपरेट किया जाता है।